नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, UP SSC, देखो UP SSC राजस्व लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर 2023, तो यूपी लेखपाल की जो DV की डेट है और उसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया, पूरा शेड्यूल कि कब कब ये पेपर होगा, ठीक है। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, सरकारी रिजल्ट आप डालेंगे सर्च मारेंगे और उसमें इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर ही सबसे पहली लिंक पड़ेगी, उसमें क्या है कि आप पूरा अपना DV के लेटर्स वगैरह निकाल सकते हैं कि आपका DV किस तारीख को हो रहा है। और जो सेकंड है इसमें क्या है, इस पर क्लिक करते ही आपका पूरा शेड्यूल जो किस कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक आपके DV चल रहे हैं उसको निकाल सकते हैं। तो आपको बता दूं मैं आपको कि जो DV है आपके नवम्बर तक चल रहे हैं और वो भी 30 नवम्बर तक कम्प्लीट DV होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये आपका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ पूरा। देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया कि शेड्यूल है पूरा कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक DV आपके इसमें चलेंगे। तो देखिए ये पूरा मैं शेड्यूल दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 30 नवंबर तक चल रहे हैं, ठीक है। 40 40 में जो 40 दिन तक DV चल करा रहे हैं लोग, और लास्ट जो दिन है वो 30 नवंबर तक DV चलेंगे। अब मैं दूसरी बात बता दूं कि आप शेड्यूल कैसे अपना निकालेंगे, ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तारीख को है क्यों है। तो देखिए शेड्यूल निकालने के लिए जो पहली वाली लिंक है, सबसे पहली वाली लिंक की, तो इसमें क्या है वेरिफिकेशन लेटर्स वगैरह सारे यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी, इस तरह से आप UP SSC की साइट पे पहुंच जाएंगे। और UP SSC की साइट में ये आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, देखो ये यहाँ कट रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली मेंशन होगा। देखिए अब ये यहाँ पर जो लिंक दे रखी है, देखो पहली वाली 13 तारीख, सेकंड वाली जो लिंक है लेखपाल वाली 13 सितंबर 2019, और इसमें यहाँ पे क्या नाम है आपका एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हुआ है, एक पर मतलब विज्ञापन संख्या, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो पे पहुंच जाएंगे, और ये नई विंडो और इस नई विंडो पे पहुंचते ही आपको पूरा जैसे कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका ये एंटर, ये आपको डालना वेरिफिकेशन कोड, इस पर डालते ही आप पूरा शेड्यूल अपना जारी कर सकते हैं। तो इसमें आप सारी एंट्रीज फिल करके और अपने क्या नाम है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेटर वगैरह चाहिए आपको, तो वो सब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पूरी एंट्रीज भरेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे मिलेंगे। देखो इस लेटर पे पहुंच जाएंगे, मैंने ऊपर की डिटेल थोड़ा हाइड कर दी है जिससे आपको ना दिखें, पर क्या है देखो इसमें मैंने अपना निकाला है तो 29 नवंबर को आपका ये DV है, ठीक है, तो 29 नवंबर में जाकर के ये DV है, ठीक है। तो आप ये जो आपके दे रखे हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स पर पत्र हैं सारे, PDF 1, PDF 2, Form 1, 2, 3, 4 और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे दिखेंगे आपको। देखिए ये आपका पहला पेज है, ठीक है, पांच आपको फाइल निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका प्रपत्र है, इसमें पहला फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म आपका पहला पेज है, इसमें क्या है कि शेड्यूल वगैरह सब लिखा हुआ है, एक पेज का है ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रपत्र है Form No. 1, ठीक है, तो फॉर्म प्रपत्र 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये डाउनलोड करना है। मैंने ये जो ब्लू ब्लू से कर दिया तो ये अपनी सिक्योरिटी रीजन से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये थर्ड प्रपत्र है, ये फोर्थ प्रपत्र है और ये फिफ्थ प्रपत्र है, ठीक है। तो इस तरह से 5 प्रपत्र निकलेंगे, 5 फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना शेड्यूल देख सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका शेड्यूल कब पड़ाया और इतना लंबा DV कराया है तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, ठीक है। तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए तो यहीं पर वीडियो को हम विराम देते हैं। आप सभी को क्या नाम है गुड लक, और आप अपना DV करा के जाइए और अपने सारे प्रपत्र तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।